हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल और मैं हूं अर्शदीप। सो दोस्तों, पहले मुझे ये बताओ कि आपको पैनोरमा का जो व्लॉग है वो कैसा लगा। तो जैसा भी लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा बुरा लगा। अब ये ना कहना देखा नहीं, और अगर देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखो, तो आप वहां पर देख सकते हैं। बट पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जाके उसको देखना। कितने उत्थे भाजो सीधा भैया। गर्मी हो रही है ना ज्यादा यार, गर्मी सही में बहुत ज्यादा हो रही है। चलो चांद पे चले। तेरा दिमाग खराब हो गया, दिन है, दिन में तेरे को चांद कहां दिख रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं तुझे यार। आप भूल भी गए हो क्या, कुरुक्षेत्र से रहते, थानू पता नहीं चांद कितने वे। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम। अच्छा, वहां कहां चांद पहुंच गया। ओ यार, चांद थल्ले आया हुआ थोड़ी देर रास्ते देख के आने। अच्छा हाँ, तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम आज कहाँ जाने वाले हैं। एक्चुअली हम आज कल्पना चावला प्लेनेटेरियम जाने वाले हैं। तो आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या है, और वो भी एक काफी अच्छी प्लेस है जहां पर मैक्सिमम टूरिस्ट विजिट करते हैं जो भी कुरुक्षेत्र में आते हैं। थोड़ी सी साइड में पड़ती है ज्योति सर। हाँ, थोड़ा सा दूर पड़ता है आउट एरिया में, लेकिन अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाय बाय। नहीं, वहां जाके मिलते हैं, सॉरी। सो गाइस, हम कल्पना चावला प्लेनेटेरियम से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं और बहुत मुश्किल से फ्रेम में आ रहे हैं। हम गिरे पड़े एक दूसरे के ऊपर बाकी चलते हैं फिर 1 किलोमीटर तक और फिर आपको दिखाते हैं कल्पना चावला प्लेनेटेरियम। हाँ, बाकी देखो, मिलते हैं जाके। सो गाइस, अभी जस्ट अभी पता चला है हमें कि मेरे फोन में ये भी फंक्शन है। हमें तंग होने की कोई लोड नहीं है, 2 फ्रेम अच्छे से आ जाते हैं फोन में। हाँ, तो यहाँ पे हम पूरे प्रॉपरली फ्रेम में आ चुके हैं और आपको दिख रहा होगा कि वहां पर वो दिख रहा है आपको, बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। अरे न्यूट्रल करो ना इसको। ओहो सॉरी, गड्डी भी आपकी फिर नहीं आपको पता लग रहा। फोन भी आपका, उसके नहीं फंक्शन पता लग रहा आपको। कर क्या रहे हो आप यहाँ पे, जिंदगी में करने क्या आए हो आप। कल्पना चावला म्यूजियम, प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम म्यूजियम कह लो, प्लेनेटेरियम। ओके, 1 किलोमीटर पूरा भी हो गया। अबे ये तो कोई कॉलेज वॉलेज है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। हाँ, ये तो कॉलेज है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कल्पना चावला प्लेनेटेरियम। अभी बस यहाँ से हमें अब लेफ्ट लेना है और हम एंटर करेंगे म्यूजियम। ये है पार्किंग लॉट। कहाँ जा रहे हो। सॉरी यार, गड्डी नहीं पड़ी, फील ले गया, गड्डी नहीं पड़नी सीधा। पुलिस वाला भी आते रहे। पुलिस वाले क्यों खड़े हैं यहाँ पे। हम रॉकेट ना उठा के ले जाए इसलिए खड़े। अरे सेफ्टी पर्पज। तो गाइस, यहाँ पर हम ले रहे हैं टिकट। अर्श ने यहाँ पर टिकट ले ली है। कितने की टिकट है। 15 की 1 जने की। शो बंद है। अच्छा, 20 रुपए रिकॉर्डिंग टैक्स। तो ये है जी कल्पना चावला प्लेनेटेरियम, ये एंट्रेंस हो गया। तो चलिए चलते हैं। कंटीन भी है यहाँ, जूम में नहीं मिली थी हमें। अच्छा, वो देखो साइड में। सो हम प्लेनेटेरियम के अंदर आ गए हैं। मेरी लियो राशि है। अच्छा, ये ज़ोडियक साइंस है, राशि के साइन चाहिए। ठंडा। हाँ यार, काफी ठंडा है। ये जंतर मंतर यहाँ पे भी आ गया। ये जंतर मंतर की फिल्म, ये जंतर मंतर टाइम बताता है, इन्होंने समझाया था। चल चले। ये क्या चीज है। राम यंत्र। इसका भी कुछ यहाँ पे ना, ये वेट होएंगे। हाँ देख भाई, तेरा कौन से प्लैनेट पे क्या वेट है। ये क्या, 71 किलो या 70 किलो। वीनस पे देख, 79। 76 किलो।
कमजोर हो गया। मरकरी में तो कमजोर हो गया, मार्स में 26, अच्छा जुपिटर पे 179, सैटर्न पे 75। सही है, मतलब यहाँ पे आप अपना वेट देख सकते हो अलग अलग प्लैनेट्स में कितना होगा, है ना। लिखा 73। आगे बटन्स दे रखे हैं, देखो लाइट भी जलती है। हाँ, जो उनसे प्लैनेट पे दिखा रहे हैं वहां जगती है। मार्स पे देख 27। अरे बहुत हल्के आप। जुपिटर पे, जुपिटर पे भारी हो गया मैं। हाँ ये क्या है? 35 डिग्री। ये सीजन ऑन अर्थ 18 डिग्री। ये क्या चीज है यार? विश्व समय, वर्ल्ड टाइम। अच्छा वर्ल्ड टाइम है। अब वॉक थ्रू टाइम, घड़ियां भी लगी हुई हैं अलग अलग। लंदन में कितना टाइम हो रहा है, वॉशिंगटन में कितना हो रहा है, और न्यू दिल्ली में, टोक्यो में, अमेरिका देखेंगे। देख अमेरिका में रखे हैं इस टाइम 1:30 बजने वाला। अरे नहीं वो चल रही है, देखो बड़ी सुई। हाँ मैं समझ गया, 1:20 रखे हैं। सही है। हाँ भाई तू देख ले इटली में क्या टाइम हो रहा है। वहाँ का तो मेरे को वैसे पता है, यहाँ इटली, यहाँ दे नहीं रखा उसको, फ्रांस दे रखा। चल चला एस्ट्रो क्विज, क्विज करने के लिए। अच्छा तीन ग्रुप खड़े करते हैं। अच्छा क्विज के लिए है यार, सही है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये कल्पना को श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट टू कल्पना। बैनर जो भी वापस नहीं आया, नेवर केम बैक। ये क्या चीज है? ज़ोडियाक क्विज। गाइस हम बाहर आ चुके हैं, हम साइंस पार्क, साइंस पार्क में देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। पर अंदर ना चांद चांद जैसी ठंडक जरूरत मिली हमें। सही बात है, मैंने कहा था ना कि चांद में चलते हैं। और यहाँ पर भाई साहब गर्मी का एहसास हो रहा है अच्छा खासा। नहीं इतनी भी नहीं है, हवा चल रही है थोड़ी बहुत। हाँ। बट है जरूर, अंदर तो 16 पेजी छोड़ रखे थे। ये है पहली एक्टिविटी जो हमें यहाँ पे मिली है, वो है ग्रेविटी वेल। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है और इसके बारे में बताएंगे अर्शदीप। अरे बताइए, कुछ नहीं है, बॉल चकनी है। चकली बॉल, ठीक है, बॉल चकती, चकती बॉल रेड थी, फिर ठीक है। अच्छा लाइक प्लैनेट्स, ओके ओके, साइंस। फेल हो गया तेरा तो एक्सपेरिमेंट। अच्छा जैसी नीचे आएगी तो तेज हो जाएगी है। अच्छा बस यही था। एक्टिविटी का जो नाम है, हमने बोला था वाई भी सी वन फेस ऑफ मून। ओके मैं बताता हूँ, इंग्लिश में बताऊँ हिंदी में? भाई हिंदी में बता दे, इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। हम चंद्रमा का एक ही चेहरा क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं बताओ भाई? अपने मित्र को कुर्सी पर बैठने को कुछ भी बस बस अर्ज बस हो गया, होगी एक्टिविटी आज। चलो बस 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 कुछ ज्यादा ही हो गया। ये इसके रिलेटेड कुछ है कि मतलब यहाँ पर बैठना है। अच्छा मुझे इसको देखना है। ओके
अबे 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 अच्छा ओए 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 अबे मैं तो घूम सही है यार। ये क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? साइंस। ये कौन सी साइंस है? मजेदार है। अरे यहाँ सॉरी, हम अपने विषय से भटक गए थे, रील की बात करने लग गए थे हम। सो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जंतर मंतर का एक छोटा सा मॉडल। छोटा है, काफी बड़ा है भाई, रियल से तो बड़ा छोटा ही है। ओ, रियल की तो बातें क्या है। सो ये देखिए, ये है जंतर मंतर। लिख रखा टाइम बताता है, टाइम बताता है वो। देखो लिख तो रखा 10 AM 11 AM। हाँ सही कह रहा है। इस टाइम टाइम क्या है, मैं देखता हूँ अपने फोन में, रुको। ये क्या लिख रखा है इन्होंने, 2 बज गए। वो देखो, दो बज गया, 2 के पास छांव चली गई है। हाँ सही कह रहा है यार, ऐसा कुछ बता रहे कंसेप्ट है। हाँ जंतर मंतर नहीं है ये, सम्राट यंत्र है। अच्छा ये सम्राट यंत्र है, मेरे को लगा जंतर मंतर है। हाफिल क्यों आपके ना दिमाग में ठंड ज्यादा बढ़ गई अंदर से। कल्पना चावला मेमोरियल था और पीछे सारा ये साइंस पार्क है। साइंस पार्क को एक बार दिखा दे अर्श, ये सारा साइंस पार्क है। इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं, साइंस बता रखी है, उन एक्टिविटीज को अगर हम फॉलो करेंगे। और ये सम्राट यंत्र है, ये जंतर मंतर नहीं है। इनको चांद पे आने की खुशी ज्यादा होगी थी। ये चीज पेश करते हैं आपके सामने, इसका नाम है क्या? जॉन फास्टर। शाबाश, चलो अश और तेजी से घुमा अंदर की तरफ, वेट कर। हाँ हुआ, तेज हुआ। हाँ और रखा है और क्या, यूं थोड़ी देर में। अब बाहर की तरफ वेट लेके जा। ब्रेक लग गई। ओ हाँ वही सही कह रहा है, ब्रेक लग गई। चलो चले, चक्कर भी ले आने हैं। देखने को मिली है यहाँ पे, वो है सन डायल। सन डायल, अरे टाइम बता रहा है अभी। अच्छा ये भी टाइम बता रहा है, थोड़ा सा वो हिल रखा है क्योंकि 2 से ऊपर टाइम हो गया इसका, 2 भी नहीं बजे अभी यहाँ पे। तो ये सूरज की रोशनी से जो यहाँ पर परछाई पड़ रही है उसके बेसिस पे ये टाइम बता रहा है, और यहाँ पे कुछ लाइंस खींची हुई हैं जो टाइम बताएंगी कि कितने बजे है ना। सो इसके हिसाब से अभी कितने बजे हैं? इसके हिसाब से अभी 2 बजने वाले हैं, लेकिन 15 मिनट पीछे है ये। 15 मिनट पीछे है, मतलब है 2 बज चुके हैं। तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता रहा, लेकिन अप्रोक्स बता रहा है कि कितना टाइम हुआ है। चलो ये एंगल भी दे रखे इसका, लैटिट्यूड ऑफ कुरुक्षेत्र 30 डिग्री, इसी करके दिक्कत हो रही है। 30 डिग्री तो ले सकते हैं, 30 point something लेना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ इसी करके दिक्कत हो रही होगी। सही है, चलो कुछ तो। हमें यहाँ पर मिली है भूल भुलैया, तो चलिए देखते हैं कि ये सचमुच की भूल भुलैया है भी है या नहीं। यहाँ से एंट्रेंस है भूल भुलैया की। कहाँ जाना चाहोगे, सीधा लेफ्ट इधर चलते हैं, आपने लग जाना, आप लग जाओ, देखते हैं। चल मैं इधर चलता हूँ, मैं इधर चलता हूँ, और अर्श वहां से जा रहा है और मैं इधर से जा रहा हूँ। सो देखते हैं हम यहाँ से इस भूल भुलैया से निकल पाएंगे या नहीं। हेलो अर्श, देख बाहर का बाहर निकल गया। ये हमें यहाँ पे फिर से अर्श जाते हुए दिख रहा है। सो ये कुछ खास भूल भुलैया मुझे लग नहीं रही है, यहाँ से हम आसानी से निकल ही जाएंगे। ये लो हम, अरे नहीं ये तो डेड एंड है यार। ओहो अबे रास्ता किस तरफ से, सचमुच की भूल भुलैया है यार। एक मिनट, ये शॉर्टकट लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से हम निकलते हैं। ये हम निकल गए, हम निकल गए भूल भुलैया से, और अर्श वहां पे फंसा हुआ है भूल भुलैया में। अबे आजा यार, द्वार तोड़ के आना पड़ा मेरे को। तो हम निकल चुके हैं यहाँ पे भूल भुलैया से, अच्छी चीज है। चावला प्लानिटेरियम देख लिया है, जहाँ पे साइंस पार्क भी देख लिया है, और ये इसका बैक व्यू है प्लानिटेरियम का। यार जो आना है ना, तो अब हम जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा धूप है, हमने थोड़ा गलत टाइम सिलेक्ट किया है यहाँ पे आने के लिए। तो आप अगर आए तो सिर्फ सुबह ही आए, या हाँ वरना शाम को। ये इसके जो टाइमिंग 10 बजे से 4:30 बजे तक है ना, 10 से 4:30 है, तो 10-11 बजे आ जाओ, ठीक है मौसम देख के।
वरना बहुत ज्यादा गर्मी है इस टाइम पे, वरना सर्दियों में आए तो और भी अच्छा है। आई थिंक ये कैंटीन है, कैंटीन भी है खाने पीना, ये कैंटीन है। सो दोस्तों, आप जैसा कि आपको पूरा का पूरा कल्पना चावला प्लेनेटेरियम म्यूजियम दिखा दिया है, तो यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम पूरा का पूरा साइंस पार्क तो कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितना हो सके हमने उसको दिखाने की कोशिश करी है। तो अभी बहुत भूख लग रही है, अभी पहले हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं बस, और अभी जस्ट एग्जिट पर ही खड़े हैं यहाँ पे म्यूजियम के प्लेनेटेरियम के। रास्ता नहीं रोको यार, साइड में ला रखी है, साइड में लगा रखी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करो, और जितना हो सके प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी नई नई वीडियोस इस टाइप की अलग अलग जगहों पर घूमकर बना सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।